छतरपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ली बैठक, सभी सरकारी योजनाओं की गई समीक्षा। खजुराहो के मंदिरों का केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लिया जायजा, कहा रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास मॉडल स्टेशन। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के हाथ दिखाने पर दिया बयान, कहा कि जैसे जैसे हाथ दिखा रहे हैं वैसे वैसे हाथ साफ हो रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, जनता की तीसरी पसंद बना नोटा। रायपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिनों ने किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जांजगीर से 4,000 मितानिन पहुंचे राजधानी। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। एमपीसीजी स्पेशल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन में कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा को 87,879 मत मिले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कोमल जंघेल को 67,703 मत मिले हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच 20,186 मतों का अंतर रहा है। वही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नरेंद्र सोनी को 1,222 वोट मिले हैं। सबसे ज़्यादा वोट तीसरे नंबर पर नोटा को मिला है, 2,616 मतदाताओं ने नोटा को चुना है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। बता दें कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की यह चौथी उपचुनाव जीत है। इसके पहले कांग्रेस ने दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मारवाही विधानसभा जीता है और अब खैरागढ़ की जीत हुई है। अब कांग्रेस के कुल 71 विधानसभा सीट हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपचुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था जिनमें खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई, वह घोषणा खैरागढ़ में कांग्रेस को जीत दिलाने में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। नीलांबर वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के कोमल जंगेल को 20,166 हराकर जीत हासिल की है। लगभग शुरुआत से ही यशोदा नीलांबर वर्मा लीड पे थी, आगे थी, जिसमें 11वें-12वें चरण में थोड़ा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर से 14-15 नंबर में फिर से उन्होंने लीड बनाया और लगभग 20,066 वोट से जीत हासिल की है। सबसे पहले तो मैं अपन खैरागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता भाई बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ जिन हाँ मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोहन मरकाम को ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जीत है मोर जीत न है, ये पूरा खैरागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता एक एक कार्यकर्ता के जीत है। देखिए जिला बनाए के मुद्दा भी काम करे है, ओकर से पहले किसान मन भी खुश रही से जिन किसान के 25 रुपये में धान खरीदा रही से कर्जा माफी करे रही से भूमि किसान ला 7,000 साल में दे रही से ये भी काम करे है। इस पर तमाम जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वरूप, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अगले 5 साल का सिंहासन अपने नाम कर लिया है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि खैरागढ़ को जिला बनाने की कांग्रेस की ये नीति जीत दिलाने में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप स्वरूप? देखिए खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जो यशोदा वर्मा है उन्होंने 20,067 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल जंघेल को करारी मात दी। जी ये तय है
कि जब चुनाव चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय ये माना जा रहा था कि ये जो जीत है बड़े कांटे की टक्कर है, लेकिन यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सूझबूझ ने इस जीत को का परचम लहरा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए बीते 15 सालों से कड़ी मशक्कत की जा रही थी, लेकिन वो जिला बनने से नहीं रहा। इसके बाद दूसरे जिले तो बन गए थे, लेकिन खैरागढ़ को जिला नहीं बनाए जाने के कारण वहाँ की जनता में बहुत ही नाराजगी थी। उपचुनाव के ठीक पहले नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस ने कहा था कि यदि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस टाई हो गई थी। अब मौका था उपचुनाव का। इस उपचुनाव में जब कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने साफ तौर पर वहां की जनता को कहा था कि यदि आप कांग्रेस को जीत दिलाते हैं तो 24 घंटे के भीतर ये प्रदेश का 33वां जिला खैरागढ़ बन जाएगा। जैसे ही ये जीत हुई है और उसके बाद ये घोषणा कारगर साबित हुई तो ये माना जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत जो है, जो 20,000 का लीड पाना कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछला चुनाव यदि देखा जाए तो उसमें कांग्रेस की स्थिति तीसरे नंबर पर थी, जिसे लेकर काफी चुनौती भूपेश बघेल मान रहे थे। इनके फिराक में ही उन्होंने ये जो मास्टर स्ट्रोक दिया था और घोषणा पत्र 29 बिंदुओं का जारी किया गया था। उस 29 बिंदु में खैरागढ़, कोई खदान और गंडई को संयुक्त जिला बनाने की बात कही गई थी। सालेवारा को तहसील का दर्जा और जालबांधा को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की बात कही थी, जो इस जीत के बाद सच साबित हुई है। और आने वाला जो मिशन 2023 है उसको लेकर भी अब कड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस जीत को लेकर ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अब खैरागढ़ के जीत के आधार पर ही, खैरागढ़ से ही मिशन 2023 के लिए अपना रणनीति बनाकर वहीं से ये चुनावी रणनीति जो तय होगी वहीं से इसके जीत का परचम लहराएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देश में चयनित आकांक्षी जिला सतरपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक ली है। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यह बैठक केंद्र सरकार की उन्नति योजना के तहत की जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। तो खजुराहो के मंदिरों का केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भ्रमण किया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यही की कला अतुलनीय है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी यह सपना है कि देश के घरेलू पर्यटन का विकास हो। इसके लिए रेल विभाग जो भी कर सकेगा वो करेगा, वह यहाँ के विकास के लिए वचनबद्ध है। अद्भुत और इसके अपने खजुराहो के पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए बहुत जल्दी अगले 8-10 महीनों के अंदर अंदर वंदे भारत की कल्पना की जाएगी और जैसे ही बिजलीकरण कंप्लीट होगा तुरंत यहाँ पे वंदे भारत। हमारे सांसद जी तो लगे हुए हैं हमारे खजुराहो क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन पर्यटन विकास के लिए रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्या साउथ इंडिया से भी कुछ ट्रेनें जोड़ी जाएंगी? ट्रेनें भी जोड़ेंगे और खजुराहो के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने का प्रकल्प हाथ में लिया जाएगा। खजुराहो से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेनें बहुत सारे मेरे पास विषय आए हैं, ट्रेनों के बारे में भी चर्चा हुई है और उसका समाधान भी करेंगे। ट्रेन, ROB, रेक पॉइंट, टूरिज्म के काम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी संस्कृति गौरव को भव्यता के साथ दिखाया जाए, उसी में हम प्रयास करें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।